India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंडअप। चुनावी बॉन्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है और कहा है कि इस मामले में एसआईटी जांच नहीं होगी। कोर्ट ने कहा है कि मौजूदा नियमों के मुताबिक याचिका स्वीकार करना उचित नहीं है। याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जा सकते हैं और याचिका में चंदे के बदले कंपनियों को लाभ का आरोप था। इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को रद्द कर दिया था क्योंकि इसमें राजनीतिक चंदे को पूरी तरह से अज्ञात कर दिया था। इलेक्टोरल बॉन्ड की एवज में राजनीतिक दलों को कॉरपोरेट कंपनियों की ओर से दी गई कथित रिश्वत की एसआईटी जांच की मांग के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को कंपनी द्वारा दिए गए चंदे की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज की अध्यक्षता में गठित एसआईटी से जांच की याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले में एसआईटी जांच के आदेश नहीं दे सकते हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कर निर्धारण को फिर से खोलने के मामलों में वैधानिक प्राधिकरण के कामकाज पर असर पड़ेगा। इस स्तर पर इस तरह के निर्देश जारी करने से तथ्यों पर निष्कर्ष निकालना अनुचित होगा, यह ध्यान में रखते हुए कि यह नॉर्मल जांच का सामान्य विषय होगा। इसलिए हम संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार करते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि कानून में और भी व्यवस्था मौजूद है, आप अपनी शिकायत लेकर संबंधित अथॉरिटी के पास जा सकते हैं। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच में एनजीओ कॉमन कॉज की ओर से वकील ने कहा, मामलों में सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि प्रमुख जांच एजेंसियां भी शामिल हैं। यह देश के इतिहास के सबसे बुरे वित्तीय घोटालों में से एक है। जिन कंपनियों ने बॉन्ड लिए उसके बाद उन्हें काम मिला, इससे स्पष्ट है कि उसके एवज में किया गया। सीजेआई ने कहा कि हमने बॉन्ड स्कीम को रद्द कर दिया था और जानकारी साझा करने को कहा था। अब इस मामले में एसआईटी जांच की मांग क्यों? उन्होंने कहा यह मामला एसआईटी जांच का नहीं है। ऐसे ही किसी भी मामले में एसआईटी जांच के आदेश नहीं दे सकते। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा यहाँ पर कुछ प्रीमियर जांच एजेंसी, राज्य सरकारें और बड़े बिजनेसमैन शामिल हैं, इसलिए इसकी एसआईटी जांच होनी चाहिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज शामिल किए जाए, तभी सच सामने आएगा। सीजेआई ने कहा आप क्यों कोर्ट द्वारा नियुक्त एसआईटी जांच की मांग कर रहे हैं? याचिकाकर्ता ने कोयला घोटाले मामले में कोर्ट की जांच के द्वारा ही निष्कर्ष पहुंचा। एनजीओ के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि कुछ मामलों में सीबीआई अधिकारियों की जांच की जरूरत है। जस्टिस पारदीवाला ने कहा हमारा मानना है कि केवल एसआईटी ही समाधान नहीं है। प्रशांत भूषण ने कहा बहुत सी कंपनियों ने अपनी स्थापना के 3 साल के भीतर ही इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और पार्टियों को दिया। मैं एसआईटी से सिर्फ लेन देन की जांच करने की मांग कर रहा हूं। उन्होंने कहा कुछ फार्मा कंपनियों द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड दिया गया था। इलेक्टोरल बॉन्ड हासिल करने के बाद ड्रग कंट्रोल एजेंसी द्वारा उनके खिलाफ सभी जांच बंद कर दी गई। वहीं एक अन्य याचिकाकर्ता के वकील विजय हंसारिया ने कहा अगर कोई सरकार और कंपनी एवज में काम करती है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही यह प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत रिश्वतखोरी का मामला माना जाएगा। उदाहरण के लिए फ्यूचर गेमिंग ने टीएमसी को 590 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड दिया तो कोलकाता पुलिस ने इसके खिलाफ जांच बंद कर दी। एनजीओ कॉमन कॉज की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि चुनावी बॉन्ड के जरिए दिए गए चुनावी चंदे में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट।
दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में बेसमेंट में तीन छात्रों की मौत के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। छात्रों की मौत के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में बड़ा कदम उठाते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है, जिसकी निगरानी सीवीसी करेगी। बताते हैं आपको कि कोर्ट ने कहा है कि सीवीसी के वरिष्ठ अधिकारी सुनिश्चित करे कि जांच समयबद्ध तरीके से हो। इसके अलावा हाईकोर्ट ने एमसीडी कमिश्नर को इलाके से अतिक्रमण हटाने के साथ ही बरसाती नालों की सफाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में एमसीडी कमिश्नर और डीसीपी पेश हुए। सुनवाई के दौरान एमसीडी की ओर से पेश वकील ने हाईकोर्ट को बताया है कि मामले में कार्रवाई की गई है, हमने नाले की सफाई की है। ऐसे में हाईकोर्ट ने कमिश्नर से पूछा कि क्या आपने जमीन पर किए जा रहे निरीक्षण किया है, और ऐसे में तब एमसीडी के वकील ने कहा कि राव इंस्टीट्यूट को छोड़कर बाकी सभी पर कार्रवाई हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रखी है, फिर भी हम कार्रवाई करेंगे। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा है कि इस मामले में जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमने पुलिस अधिकारी को यहां पर इसलिए बुलाया है कि वह बेकसूर के बजाय गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई करें। अगर आपने किसी बेकसूर को पकड़ा है तो उसको छोड़ दीजिए। वहीं दिल्ली पुलिस ने कहा कि हम इस मामले की जांच कर रहे हैं। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि हम समझ सकते हैं कि आप पर दबाव है, लेकिन आप बिना किसी दबाव में आए बिना वैज्ञानिक तरीके से जांच करें। कोर्ट ने यहां तक कि कहा कि आप जनता के भी दबाव में मत आइए। हाईकोर्ट ने पूछा कि जेई के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि हमें बताया गया कि उस इलाके में एक और नाली थी जो काम नहीं कर रही थी और उसका रखरखाव क्यों नहीं किया जा रहा था। एमसीडी कमिश्नर ने कहा कि ये नाला बहुत बड़ा नाला है। इस पर हाईकोर्ट ने पूछा कि आखिर फिर इलाके में पानी क्यों जमा हो रहा है, आपका स्ट्रोम ड्रेन खराब क्यों है। हाईकोर्ट ने पूछा कि उस जोन के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। हाईकोर्ट ने पूछा कि बच्चों की मौत की वजह क्या थी। दिल्ली पुलिस ने बताया कि छात्रों की मौत डूबने की वजह से हुई है। कोर्ट ने पूछा कि हमें बताएं कि बेसमेंट में इतनी जल्दी पानी कैसे भर गया, बच्चे बाहर क्यों नहीं आ पाए, क्योंकि पानी भरने से कुछ समय तो लगा ही होगा। 1 जुलाई को जांच में पता चला है, और फिर 1 से 24 जुलाई के बीच क्या हुआ। हाईकोर्ट ने कहा कि हम बस ये जानना चाहते हैं कि बच्चे बाहर क्यों नहीं आ पाए। हाईकोर्ट ने कहा कि बच्चों को बेसमेंट से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त समय मिल सकता था, फिर भी ऐसा क्या हुआ, दरवाजा बंद हो गया, हमें ये तक नहीं पता। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया है कि 29 जुलाई को हमने एमसीडी को नोटिस देकर दस्तावेज मांगे और पूछा कि आखिर बार कब नाले की सफाई हुई थी। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को आश्वासन देते हुए कहा कि हम मामले की गंभीरता से जांच करेंगे और हम लोगों से पूछताछ करेंगे और उन्हें जांच के लिए बुलाएंगे। नीट पेपर लीक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये एक सिस्टमैटिक फेलियर नहीं है और पेपर लीक का असर हजारीबाग और पटना तक ही सीमित है। हमने ढांचागत खामियों की ओर ध्यान दिया है। कोर्ट ने कहा है कि एग्जाम देने वाले कैंडिडेट की पहचान सुनिश्चित करना, पेपर लीक को रोकने के लिए स्टोरेज के लिए SOP तैयार करना सरकार और NTA की जिम्मेदारी। अगर किसी की शिकायत का निवारण सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नहीं हुआ है तो वो हाई कोर्ट जा सकता है। हमारा निष्कर्ष है कि पेपर लीक सिस्टमैटिक नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा कि पेपर लीक व्यापक स्तर पर नहीं हुआ, NTA को आगे के लिए ध्यान रखना चाहिए, इस तरह की लापरवाही से बचना चाहिए। हम नीट की दोबारा परीक्षा की मांग को खारिज कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने NTA को परीक्षा कराने के तौर तरीके बदलने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा है कि एजेंसी प्रश्न पत्र बनाने के लिए से लेकर परीक्षा खत्म होने तक कठोर जांच सुनिश्चित करें, प्रश्न पत्रों के संचालन आदि की जांच के लिए एक SOP बनाई जाए, पेपर को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए खुले ई रिक्शा के बजाय रियल टाइम लॉक वाले बंद वाहनों का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा प्राइवेसी लॉ को भी ध्यान में रखा जाए ताकि अगर कोई गड़बड़ी हो तो उसे पकड़ा जा सके। इलेक्ट्रॉनिक फिंगरप्रिंट्स के रिकॉर्डिंग, साइबर सुरक्षा की व्यवस्था रखें ताकि डेटा को सिक्योर किया जा सके। नीट पेपर लीक मामले में CBI और EOU ने जांच की थी। इस जांच के दौरान कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और रिपोर्ट में सामने आया कि झारखंड के हजारीबाग और पटना से पेपर लीक हुआ है। EOU
से रिपोर्ट पर सीबीआई ने सीक्वेंसिंग शुरू की थी और सीबीआई ने फर्स्ट एफआईआर दर्ज की थी जिसमें 8 आरोपियों को नामजद किया गया था। जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, नीट यूजी 2024 की परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाएगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि दोनों पक्षों को सुनकर साफ होता है कि परीक्षा की शुचिता भंग नहीं हुई है, इसीलिए दोबारा परीक्षा कराए जाने की जरूरत नहीं है। पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों के आधार पर दोबारा परीक्षा कराने की याचिका खारिज कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने के पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ हरियाणा की याचिका पर सुनवाई स्थगित की। कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब राज्यों के तटस्थ व्यक्तियों के नाम सुझाने के लिए समय दिया। आज उन्हें प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत करने के लिए एक समिति में शामिल किया जा सकता है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस आर महादेवन के खंडपीठ ने किसानों में विश्वास जगाने की आवश्यकता पर जोर दिया और हरियाणा और पंजाब राज्यों से तटस्थ व्यक्तियों के नाम सुझाने का आह्वान किया जो किसानों की शिकायतों के समाधान के लिए समिति का गठन कर सकें। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरविंदर सिंह द्वारा समिति के लिए आम नामों का सुझाव देने की कवायद शुरू करने के आश्वासन पर 12 अगस्त को मामले को फिर से सूचीबद्ध किया गया। इस बीच अदालत ने निर्देश दिया कि अंतरिम व्यवस्था या शंभू बॉर्डर नाकाबंदी या यथास्थिति जारी रखेगी। सुनवाई की शुरुआत एसजी मेहता द्वारा अदालत को सूचित करने के साथ हुई और उनके पिछले आदेश के अनुसार समिति के गठन के लिए नाम सुझाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इसके बाद पंजाब के अटॉर्नी जनरल के मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनुमति प्राप्त वाहनों को कुछ राहत देने की मांग की। हालांकि अटॉर्नी जनरल मेहता ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि पंजाब किसानों की ओर से ऐसा प्रस्ताव नहीं दे सकता। पक्षकारों को ये समझाने की कोशिश करते हुए कि मुद्दे को सौहार्दपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए, जस्टिस कांत ने अटॉर्नी जनरल को सुझाव दिया किसी को भी स्थिति को और खराब नहीं करना चाहिए, आपको उनकी भावना को ठेस पहुंचाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक राज्य के रूप में जब आप जाते हैं, एक राजनेता के रूप में आप उन्हें किसानों को ये समझाने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक ट्रैक्टरों का सवाल है, मशीनों का सवाल है, अन्य कृषि उपकरणों का सवाल है, उन्हें उस स्थान पर ले जाया जाए जहाँ उनकी आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हाँ, उन्हें अपनी शिकायतें व्यक्त करने का अधिकार है, वे शिकायतें उस स्थान पर भी हो सकती है यदि वे कोई प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, पंजाब उस पर आपत्ति नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की अधिसूचनाओं को बरकरार रखने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका खारिज की। याचिका में औरंगाबाद और उस्नामाबाद शहरों का नाम बदलकर क्रमशः छत्रपति संभाजी नगर और धारा शिव करने की बात कही गई थी। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एस वी एन भट्टी के बेंच ने विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार किया। औरंगाबाद और उस्नामाबाद शहरों के साथ साथ राजस्व क्षेत्रों का नाम बदलने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट के समक्ष कई याचिकाएं दायर की गई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 24 फरवरी 2023 को औरंगाबाद का नाम बदलने को मंजूरी दी जबकि उस्मानाबाद के लिए 7 फरवरी 2023 को ही मंजूरी दे दी गई है। राज्य सरकार ने 24 फरवरी 2023 को दी अधिसूचना के माध्यम से शहरों के बदले हुए नाम को औपचारिक रूप से अधिसूचित किया। हालांकि उस समय संबंधित राजस्व क्षेत्रों का नाम बदलने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। हाईकोर्ट ने 30 अगस्त 2023 को राजस्व क्षेत्रों के प्रस्तावित नाम बदलने को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बैच का निपटारा कर दिया क्योंकि नए नामों को औपचारिक रूप से अधिसूचित नहीं किया गया था। साथ ही शहरों के नाम जो नए नामों को चुनौती देने का मामला भी बरकरार रखा और याचिका में कहा गया कि नाम बदलने का उद्देश्य राजनीतिक है और इससे धार्मिक मतभेद को बढ़ावा मिलता है। औरंगाबाद के नाम बदलने को चुनौती देने वाली याचिका में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में उन सभी शहरों के नाम बदलने का अभियान चल रहा है जिनका नाम मुस्लिम है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने इस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि पूरे राज्य में उच्च सम्मान वाली और उच्च सम्मान वाली शख्सियत छत्रपति संभाजी नगर के मामले में के नाम पर शहर का नाम रखने का कोई धार्मिक अर्थ नहीं है। हालांकि हाईकोर्ट ने चुनौती दी अधिसूचना में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि इसमें कोई अवैधता या कोई अन्य कानूनी दोष नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें उन्होंने अंधविश्वास को खत्म करने और भारतीयों से वैज्ञानिक सोच विकसित करने का आग्रह किया था। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि आप सिर्फ अदालत का दरवाजा खटखटाने से समाज सुधारक नहीं बन जाते हैं। श्री उपाध्याय, कई समाज सुधारकों ने कभी अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया और हमें कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा। उपाध्याय की याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों को अंधविश्वास और जागरूक होने पर नियंत्रण के लिए कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की गई। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करने का आह्वान किया गया। इसमें कहा गया कि अंधविश्वास और जागरूक विरोधी सख्त कानून की तत्काल आवश्यकता है। समाज में व्याप्त अवैज्ञानिक कृत्यों को समाप्त करना और जो समुदाय पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, दो सभी नागरिक विशेषकर SC/ST समुदाय को सम्मानजनक जीवन प्रदान करना ताकि किसी को भी केवल तर्कहीन के आधार पर ना देखा जाए। तीसरा ये कि किसी भी झूठे संत को निर्दोष लोगों का शोषण करने से रोकना। चौथा, वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करना। और पांचवा ये कि दाभोलकर, पंसारी जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं की हत्या को रोकना। जब याचिका पर सुनवाई हुई तो न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि राजनीति के निर्देशक सिद्धांत वैज्ञानिक सोच के विकास पर जोर देते हैं, लेकिन जिस तरह के निर्देश जारी करने में न्यायपालिका की भूमिका पर सवाल उठाया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि वह वैज्ञानिक सोच पढ़ाने के लिए निर्देश जारी नहीं कर सकता। इसके अलावा न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संसद हस्तक्षेप कर सकती है और व्यापक हितधारकों के परामर्श के बाद वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए कानून बना सकती है, लेकिन न्यायालय इस मामले को संभालने में पूरी तरह से असक्षम है। आखिरकार उपाध्याय ने याचिका वापस ले ली। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। इंडिया लीगल प्रेजेंट्स कोर्ट्स राउंड अप।